वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे सिंपल और इतने इफेक्टिव तरीकों के बारे में जिनके जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीकों के बारे में जिनके जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। ये मेथड्स बिल्कुल बिगनर्स के लिए हैं। तो अगर आप अभी ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना चाहते हैं या कोई भी पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए इसे शुरू करते हैं। पहला एक ऐसा तरीका जिसमें बहुत ही ज्यादा आपकी स्किल्स यूज होती है, फ्रीलांसिंग। इसका मतलब ये है सेल योर स्किल्स। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स है तो आप फ्रीलांस कर सकते हैं और घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल्स को यूज करके क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इन रिटर्न वो आपको पेमेंट दे सकते हैं, और वो पेमेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसकी जो इनकम मानी जाती है वो मानी जाती है 40,000 पर मंथ से उसकी शुरुआत होती है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे पेमेंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप कॉन्टेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं तो आप यही स्किल्स को यूज करते हुए काफी सारी जो आजकल यूट्यूब वीडियोस एडिटर्स होते हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, और ये आजकल काफी ज्यादा डिमांड में है। फ्रीलांसिंग के लिए कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अपवर्क, फीवर, फ्रीलांसिंग, जहां आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें आप किसी भी टाइम पे कहीं भी किसी भी जगह किसी भी टाइम आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्किल्स के जरिए घर बैठे कमाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आता है आजकल ऑनलाइन टीचिंग का, जो कि बहुत ही ज्यादा कोविड के टाइम के बाद से काफी ज्यादा डिमांड में है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं जैसे मैथ, साइंस, कोडिंग, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में, तो आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ट्यूटर बन सकते हैं जैसे वेदांतु और अनअकैडमी। काफी यहाँ पे आपने देखा होगा कि अनअकैडमी पे काफी सारे टीचर्स ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और उनकी अर्निंग काफी ज्यादा होती है। कुछ टीचर्स तो करोड़ में भी अर्न कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में आप अपने घर से ही क्लासेस ले सकते हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जिससे आप एक स्टेडी इनकम कमा सकते हैं। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग की। तीसरा तरीका जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग का, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आपने उनके प्रोडक्ट्स को आप रेफरल लिंक के थ्रू या कैसे भी आप जब खरीदते हैं तो उसमें आपको भी कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग एक पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। बस आपको इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए। आप ये काम Amazon, Flipkart या किसी और एफिलिएट प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो बीच में ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स का और उसका लिंक कहते हैं डिस्क्रिप्शन में है। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए डालते हैं ताकि आप उस लिंक से वो प्रोडक्ट परचेज करें, और जब आप प्रोडक्ट वो परचेज करोगे तो उस प्रोडक्ट की परचेज का कुछ परसेंट कमीशन उस यूट्यूब क्रिएटर को भी जाता है। तो ऐसे ही आप भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। चौथा तरीका है कंटेंट क्रिएशन का। आजकल यूट्यूब ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा चल रही है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल अपना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा के सामने कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब का एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड्स, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन थोड़ा टाइम लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म इनकम का बढ़िया सोर्स बन सकता है, तो इसको आप जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेस। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप अपना ऑनलाइन कोर्स भी बना सकते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसका एक बढ़िया तरीका है यूडेमी
या टीचेबल पर अपने कोर्सेज को सेल करना। जैसे आपका कोर्स आपने बना लिया, एक पैसिव इनकम की तरह यहाँ पे आपका ये यूज हो सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, टेम्पलेट्स या गाइड्स बेचकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इसकी इनकम बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। आप महीने का 40,000 to 50,000 रुपीज यहाँ पे अर्न कर सकते हैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रॉप शिपमेंट की। तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको अपने पास कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। आपको बस एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना होता है और जब कोई कस्टमर आपके स्टोर पे प्रोडक्ट खरीदेगा तो सप्लायर उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर के एड्रेस पे शिप करा देगा। मतलब उसमें आपको कोई घर में अपने पास कोई वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। जो कस्टमर ऑर्डर करेगा आपके पास वो डायरेक्ट वहीं पे उसे भेज देगा। इसके लिए आपको बस जैसे शॉपिफाई, WooCommerce जैसे वेबसाइट्स हैं या मीशो जैसे आजकल वेबसाइट्स हैं या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर अपना स्टोर का आपको सेटअप करना होता है। प्रोडक्ट्स के लिए आप सप्लाईज जैसे अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं और उससे डील कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है और बिना आपको इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आपको कोई अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखनी, आपको कोई अपने पास वेयर हाउसेज ओपन नहीं करने, बिना इसी के आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप अपनी कोई यूनिक चीज बना सकते हैं जिससे आप लाइसेंस कर सकते हैं। जैसे एक कोई भी आप अगर राइटर हैं तो आप अपनी कोई ओरिजिनल बुक, कोई सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हैं या पेटेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेवलपर हैं तो अगर आप कुछ अपना एक ऐप डेवलप करते हैं या एक पॉपुलर बुक लिखते हैं तो आप इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आप अपने क्रिएशन से पैसा कमा सकते हैं बिना एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हुए। आप इन चीजों को सेल कर सकते हैं या आप इसका लाइसेंसिंग कर सकते हैं और इसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने देखा हो कि कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं वो अपना गाने पे कॉपीराइट रखते हैं कि ये गाना सिर्फ उनकी इस मूवी में ही यूज हो सकता है और किसी में नहीं। जैसा यूट्यूब पे भी होता है कि हम किसी भी म्यूजिक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट। तो कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो हम बिना जो मेन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसकी परमिशन के बिना हम नहीं यूज कर सकते, और अगर हम यूज करते भी हैं तो हमें उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो एक ये होता है ओरिजिनल सोर्सेस का पेमेंट। अब हम बात करते हैं बिल्ड एन ऐप। अगर आपको कोडिंग आती है और आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप अपनी खुद की ऐप डेवलप कर सकते हैं। आज के टाइम में मोबाइल्स ऐप काफी पॉपुलर हैं और आप इन्हें मोनेटाइजेशन के जरिए पैसा कमा सकते हैं। आप एड रेवेन्यू के जरिए इन ऐप को परचेज करवा सकते हैं या पेड ऐप्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको खुद कोडिंग नहीं आती तो आप डेवलपर्स को हायर कर सकते हैं और अपनी ऐप बनवा सकते हैं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे लॉन्च करके आप अपने ऐप को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है SEO वेबसाइट्स को क्रिएट करना। अगर आपको SEO का ज्ञान है या कुछ उसकी नॉलेज है तो आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए, जिससे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। SEO का मेन गोल होता है कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन जैसे जैसे गूगल हो गया, मोज़रेला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके अगर आप कुछ भी सर्च करें तो वहां पे आपकी वेबसाइट सबसे टॉप पे आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं जैसे लंदन के बारे में या कहीं पे भी आपको कहीं घूमने जाना है या कोई ट्रिप के लिए, तो वहां पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो सबसे पहले आती हैं। वो क्यों आती है? क्योंकि उनमें SEO लगा हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आप कैसे सर्च करेंगे, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो सबसे पहले शो होंगी। और ये देखा भी गया है कि अगर हम भी एज अ यूजर कुछ भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो स्टार्टिंग में टॉप 2 or 3 वेबसाइट्स होती है हम उसी को ओपन करते हैं, हम कभी भी सेकेंड पेज पे नहीं जाते।
तो आप ब्लॉग या नीच वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हो। फिर इसमें एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। SEO एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन एक बार आपकी वेबसाइट अगर रैंक कर जाती है, आपके पास कंसिस्टेंट ट्रैफिक और अर्निंग का सोर्स यहां से शुरू हो जाता है। तो ये 9, तो दोस्तों ये थे 9 सिंपल तरीके जिनके जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशंस, एप्स और SEO वेबसाइट्स, सभी अमेजिंग ऑप्शंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ इन मेथड्स को ट्राई करें। रिजल्ट तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन पेशेंस से आपका एफर्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस जरूर देगा। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा तरीका पसंद आया।